हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ना डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है और आप लोगों की रिक्वेस्ट का डिज़ाइन है, प्लीज़ पूरा देखना। बट उससे पहले मैं आपको बात बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन थोड़ा सा मैंने ना लेट शुरू किया, मतलब लेट क्या, आपको थोड़ा सा जो क्लिपिंग है वो पहले की नहीं मिल पाई। एक्चुअली पता ही क्या, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो वीडियो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो बन रहा है, बट वो स्टार्ट ही नहीं हो रखा था और कैमरा ऑन ही नहीं था और मैंने थोड़ा सा बना लिया। सडनली मेरी नज़र गई ना, तब मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। एक्चुअली सिंपल है, मतलब जो स्टार्टिंग का पहले निकला है वो सिंपल सर्कल बनाया था और सर्कल को फिल किया था। तो आज की नहीं, गोल टिक्की मेरी डिज़ाइन है जो पिछले वीडियो में कमेंट आई थी, और मुझे उम्मीद है कि पूरा डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। बहुत सिंपल भी है, सुंदर भी है और लगने के बाद ही बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा पूरा देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको बहुत ही मतलब जल्दी मेहंदी लगाना आ जाए, तो आप ना मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेहंदी सीखने के बहुत सारे वीडियो दिखाई देंगे और बहुत ट्रिक वाले मेहंदी डिज़ाइन दिखाई देंगे, जो अक्सर लोग ना मतलब यूट्यूब में सर्च करते ही रहते हैं कि ईजी मेहंदी कैसे लगाएं, बहुत सिंपल किसी ट्रिक से मेहंदी कैसे लगाएं। और अगर आप मेहंदी क्लासेस वाले वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी देखिए जाके, आपको सच बता रही हूँ बहुत अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। और अगर अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल लाइनिंग करने के बाद मैंने पता है जिग जैग लाइनिंग बनाई है। बड़े ध्यान से देखिए, मैंने जिग जैग लाइनिंग बनाई है जो कि ईजी होती है अगर आप बिगिनर हैं तो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सिंपल, अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे जैसे चेक भी बना सकते थे, छोटे छोटे चेक बना सकते थे, और नहीं तो बड़े चेक बना के उसके अंदर डॉट बना सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप मेहंदी के डिज़ाइन को लगाना शुरू करें ना तो बस आपको बस माइंड में आना चाहिए और डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ना साइड साइड से लाइनिंग अप्लाई की है। पता है जो लाइनिंग अप्लाई होती है ना, कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ये हम नहीं मतलब अप्लाई करें तो इसकी जगह कुछ दूसरा, तो पता है मैं आपको बताऊँ, हाँ बिल्कुल दूसरा डिज़ाइन भी हो सकता है, बट इसी तरीके से ही पता है डिज़ाइन बढ़ता है। अगर आप चाहे सर्कल बनाएं, लाइनिंग करें, उनमें किसी तरीके का शेड दे के या फ्लावर की बेल जैसे बना के आप उसको आगे बढ़ाते चले जाएँ, बस ऐसे ही डिज़ाइन बनते चले जाते हैं और मेहंदी डिज़ाइन बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कई बार जैसे कमेंट आते हैं ना कि हम मेहंदी को बढ़ाना नहीं जानते, तो बस आपको थोड़े से डिज़ाइन याद रखने होते हैं और आप देना अपने आप लगाना सीख जाएंगे। अब पता है कई बार लोग पता है ये भी बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छे से याद होता है, बट जब हम मेहंदी लगाने बैठते हैं ना तो सब कुछ गायब हो जाता है। बताऊँ, एक बताऊँ, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन। मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखा है और यहाँ तक कि पता है क्या, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप उस घर मतलब उस डिज़ाइन की कितने भी घर से प्रैक्टिस करके आए होंगे, बट जिस वक्त लगाने बैठते हैं ना तो उस वक्त वही डिज़ाइन आपको ध्यान नहीं आ रहा होता। तो थोड़ा सा ना मतलब ये आइडिया लगा के रखिए कि आप कौन सा नॉर्मल सा डिज़ाइन जो है, जो आपको मतलब हल्का सा भी मतलब लगाते ही आपको उसके बाद अपने आप डिज़ाइन बनता चला जाए। जैसे कि आपने फ्लावर बनाया, उसके साइड से आपको मैंगो शेप का डिज़ाइन देना है, या क्या कहते हैं जो मोर होता है उसका डिज़ाइन देना, सॉरी बीच में मिस्टेक हो गई। तो इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। पता है मेरे साथ भी यही होता है, कई बार होता है कि हमने इतना डिज़ाइन को सोच के रखे होते हैं और कई बार सडनली अचानक दूसरा डिज़ाइन बन जाता है, और मतलब वो भी फाइनली ठीक ही बन जाता है। कभी कभी हो जाता है कि अगर मुझे पसंद नहीं आता और मुझे जब खुद भी सही लगता है ना डिज़ाइन, तभी मैं उसके वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, वरना मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करती हूँ। मैं उस मेहंदी डिज़ाइन को वहीं पर मतलब हटा देती हूँ तुरंत। तो अगर आपके सामने कोई वीडियो आया है तो समझ लो कि उसे मैंने ही मतलब क्लियर किया है कि हाँ ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा इसका फाइनल लुक मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मुझे उम्मीद है कि जिनकी भी रिक्वेस्ट आई थी उन्हें पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल जो ब्लॉग वाला है उसे भी जाके विजिट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।